फाइल्स देखिए, जैसे कि आप हम ये देख रहे हैं, ये फाइल्स हैं, ये जेपीजी है, ये भी जेपीजी है, लेकिन ये टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट इमेज है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने लगा रखी है। तो सबसे पहले हमें अपना क्रोम खोलना है, क्रोम में गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है आई लव माई PDF, LMIPDF लिख के एंटर प्रेस करना। सबसे पहला लिंक ये आ गया, इसी पे क्लिक कर देना। अब आप देख रहे हैं जैसे कि ये पांच फाइलें हैं, तो अभी तो ये JPG है, इमेज है, फ़ोटो बनी हुई है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको PDF बनाना है, इन सारी फाइल्स को। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रोम में ही जाना है, हमने ये वेबसाइट खोल लिया। उसके बाद अब वो जो फाइल्स थी हमारी क्या थी, JPG, तो JPG to PDF इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर सेलेक्ट JPG इमेज, फिर उसके बाद जहाँ पर हमारी फाइल्स हैं इनको सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। अभी हमारी फाइल्स आ गई हैं। अब जैसे ये अभी तो सीरियल वाइज आ गई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब मैं चाहता हूँ ये इमेज थर्ड नंबर पे आ जाए, ठीक है, ये फोर्थ पे ही रहे, और जो हमारा टेक्स्ट है वो फर्स्ट पे आ जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं सिंपली कन्वर्ट को PDF पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमें डाउनलोड PDF पे क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब ये देखिए, ये PDF बन चुकी है। जिस तरीके से हमने अपनी फाइलें अरेंज करी थी, देखो पहले नंबर पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड, फोर्थ, लास्ट। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी JPG की कई फाइलों को PDF बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड से PDF कैसे बनाते हैं, वर्ड से या एक्सेल से, किसी भी सॉफ्टवेयर से। तो मान लीजिए ये मेरी टेक्स्ट फाइल में, इसमें कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है, कोई भी डिज़ाइन वगैरह बना लिया। अब मुझे इसको PDF बनाना है। तो सबसे पहला ऑप्शन तो हमारा कंप्यूटर विंडोज़ में ही होता है। अगर वो ऑप्शन नहीं आ रहा है तो मैं वो भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले हमें Ctrl P, तो जो पहले स्टेप है, Ctrl P करेंगे। यहाँ से आपको सर्च करना है प्रिंट में, Ctrl P से प्रिंट आता है, प्रिंट। ठीक है, अब यहाँ से हमें प्रिंटर पे क्लिक करना है। इसमें हमें देखना माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। अगर ये ऑप्शन आपके पास है तो सिंपली इस पे क्लिक करना है, प्रिंट पे क्लिक करेंगे। फिर जहाँ भी हमें अपनी फाइल सेव करनी है, जैसे मैं मान लो इसी में कर देता हूँ, तो फाइल नेम दे देता हूँ मैं Word to PDF। ठीक, उसके बाद सेव करते हमारी जो फाइल है वो PDF में प्रिंट हो जाएगी, तो PDF बन जाएगी। ये आ गई, ये हमारी PDF बन गई वर्ड की फाइल। ठीक है, अब मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अब मुझे इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो कैसे करेंगे? तो हम सिंपली पहले, सबसे पहले हम अपनी वर्ड की फाइल को सेव करेंगे। फाइल में जाएंगे, सेव, जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हो, मैं यहाँ पे ही कर लेता हूँ। तो ये हो गई हमारी टेक्स्ट, ठीक है, सेव कर देंगे। अब यहाँ पर ये आ गई हमारी वर्ड की फाइल। ठीक है, अब मुझे इसे PDF में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपनी सेम वेबसाइट पे जाएंगे, LMIPDF, बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हम अपने होम पेज पे आ जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हम कौन सा सॉफ्टवेयर था, वो वर्ड, वर्ड की फाइल है, तो हमें क्या करना है, Word to PDF बनाना है। तो इस पर क्लिक करना है, Word to PDF, उसके बाद सिलेक्ट वर्ड फाइल। फिर जहाँ पर भी हमारी फाइल होगी, ये आगे हमारी, क्लिक सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, Convert to PDF, Download PDF। अब यहाँ से हम डायरेक्ट जंप करेंगे और ये हमारी PDF बन चुकी है। तो गाइज, मैंने आपको दोनों स्टेप बता दिए, कैसे वर्ड की या एक्सेल की, एक्सेल से भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो एक्सेल ओपन किया मैंने, इसमें कोई भी शीट बना ली, मैंने एक फोन नंबर की फाइल बना ली,
नहीं देखिए, तरीके से मैंने ये मान लीजिए मेरी फाइल बन गई। अब मुझे इसे पीडीएफ बनाना है, तो सबसे पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया, आपको सिंपली प्रिंट में जाना है, ठीक है। अगर आपको प्रिंट नहीं मिला तो आप कंट्रोल पी भी दबा सकते हैं, फिर यहाँ से अपने प्रिंटर से प्रिंट टू पीडीएफ, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद प्रिंट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हमें सेव करनी है फाइल, डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक्सेल कर लेते हैं, सेव एंड सेव करेंगे तो ये अब हमारी एक्सेल की फाइल पीडीएफ में सेव होगी। तो हम चेक कर लेते हैं, तो ये आ गई एक्सेल पीडीएफ बन गई, ठीक। अब मान लीजिए कि ये ऑप्शन नहीं आ रहा एक्सेल में भी, तो कैसे बनाना है? तो सबसे पहले तो हमें अपनी फाइल को सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, इसमें एक्सेल के नाम से ही सेव कर लेते हैं, एक्सेल टेक्स्ट सेव कर दिया। अब ज़रूरी नहीं है कोई भी नाम दे सकते हैं, ये एक्सेल की फाइल आ चुकी है, ठीक है। अब मैं इसे ओपन भी करूँ तो एक्सेल में ही खुलेगी, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसे पीडीएफ बनाना है, अब वहाँ से ऑप्शन नहीं आ रहा, तो सिंपली हमें इसी वेबसाइट पे जाना है, आई लव माई पीडीएफ, यहाँ पर आई लव पीडीएफ पे क्लिक करना है, होम पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्सेल टू पीडीएफ, तो ये आ गया हमारा एक्सेल टू पीडीएफ, इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट एक्सेल फाइल, फिर उसके बाद एक्सेल टेक्स्ट, ये आ गई हमारी फाइल, ठीक है, ओपन करेंगे, उसके बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ। जैसे हम कन्वर्ट टू पीडीएफ करेंगे, ये हमारी एक्सेल की फाइल बन जाएगी, यहाँ से ओपन करेंगे, ये हमारी पीडीएफ बन गई। सो गाइस, अब आता है हमारा, हमें करनी है पीडीएफ स्प्लिट। स्प्लिट मतलब मान लीजिए ये मेरी पीडीएफ फाइल है, अब इसमें 5 पेज हैं, अब मैं चाहता हूँ ये पहला पेज दूसरा पेज अलग हो जाए, पहला दूसरा और तीसरा ये अलग हो जाए पीडीएफ से, और ये दोनों अलग हो जाए, तो किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले देख ले फाइल वन, फाइल का जो नेम है फाइल वन है, तो हमें सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे जाना सेम। उसके बाद हमें स्प्लिट पीडीएफ, सिलेक्ट पीडीएफ फाइल जिसको भी हमें स्प्लिट करना है, तो सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक आपको अलग करनी है, तो मैं चाहता हूँ पेज नंबर 1 से पेज नंबर 3 तक, 1 से 3 यहाँ तक अलग हो जाए, तो स्प्लिट पीडीएफ, डाउनलोड स्प्लिट पीडीएफ, अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, तो ये आ गई हमारी, तो ये देखिए ये अब हमारी फाइल जो है अलग हो गई है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने उन दोनों को भी अलग करना है, तो सेम स्प्लिट पीडीएफ, सिलेक्ट पीडीएफ फाइल, तो फाइल हेरी हमारी, ओपन करेंगे। अब क्या करना है मुझे, अभी हमने लिया था 1 से 3, तो मैं 4 से 5, सिर्फ 2 पेजों को अलग करना चाहता हूँ और पीडीएफ ही रहे, तो स्प्लिट पीडीएफ पे क्लिक कर दें। जैसे हम क्लिक करेंगे, डाउनलोड स्प्लिट पीडीएफ करेंगे, उसके बाद हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये अब ये दोनों अलग हो गई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अब ये दोनों तो अलग अलग हो गई हैं, अब 2 पीडीएफ हैं, अब मैं इन दोनों को दूसरी लोकेशन पर डाल देता हूँ। पहले तो डेस्कटॉप पे ले लेते हैं, मैंने इसको पीडीएफ में यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट अब मैं चाहता हूँ ये जो 2 पेज थे 4 और 5, ये पहले आ जाए, और मैंने जोड़ना चाहता हूँ दोनों फाइलों को। अब तो ये अलग है, मान लीजिए हमारे पे 10 फाइल हैं अलग अलग, तो मैं चाहता हूँ सबकी एक पीडीएफ फाइल बन जाए, ठीक है। तो जैसे अब मान लीजिए 2 फाइल हैं, मैं इनके फाइल नेम चेंज कर देता हूँ सबसे पहले। जैसे मान लीजिए फर्स्ट
और ये सेकंड। फर्स्ट में हमारे कितने पेज हैं? एक, दो, तीन, ठीक है। उसके बाद सेकंड में हमारे कितने पेज हैं? दो, एक ये बिल्ला और एक ये टैक्स पेज। अब मुझे इन दोनों फाइलों को जोड़ना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली अपनी वेबसाइट में जाएंगे, होम पेज पे जाएंगे। उसके बाद हमें मर्ज, मर्ज मतलब जोड़ना, मर्ज पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पीडीएफ फाइल पे क्लिक करेंगे। जो भी फाइलें हमें आपस में जोड़नी है, एक दो तीन भी जोड़ सकते हैं, उनको सिलेक्ट कर लेंगे। मैं चाहता हूँ दोनों ही सिलेक्ट हो जाए, तो फर्स्ट और सेकंड सिर्फ दो ओपन करेंगे। उसके बाद ये कह रहा पहले किसको रखना है। अब जैसे पहले ये थी, अब मैं चाहता हूँ फर्स्ट पे ये है, तो ये पहले आएगी और ये फिर तीन पेज ये बाद में आएंगे। उसके बाद सिंपली मर्ज पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड मर्ज पीडीएफ। ये डाउनलोड हो गई हमारी फाइल। अब हम यहाँ से इसको ओपन करके देखते हैं, तो ये देखिए ये पहले जुड़ गई, चार नंबर पे पहले पे आ गया, पांच, फिर ये भी, और पूरी एक फाइल बन गई। तो गाइस आप समझ के कैसे फाइलों को जोड़ना है और कैसे अलग करना है। सबसे पहले हमें होम पेज पे जाना है, तो पीडीएफ टू एक्सेल, पीडीएफ टू एक्सेल सेलेक्ट पीडीएफ फाइल, जो भी फाइल है हमारी, चाहे टेक्स्ट हो कुछ भी, सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, कन्वर्ट टू एक्सेल। अब ये फिर से उस यार को कह रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको लास्ट में ही बताने वाला हूँ, तो अभी हम कंटिन्यू विद विदाउट ओसीआर कर देते हैं। डाउनलोड एक्सेल, अभी हमारी फाइल एक्सेल में तैयार हो गई है, ठीक है, हो गई सिंपली। तो मान लीजिए ये मेरी फाइल है, अब मैं इसे वर्ड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं इसका नाम दे देता हूँ कोई भी, मैं डाल देता हूँ फाइल नंबर टू हमारे डाउनलोड्स में। अब मुझे क्या करना है, ये पीडीएफ फाइल है अभी इस तरीके से, अब मुझे इसे वर्ड में कन्वर्ट करना, मैं चाहता हूँ वर्ड में हो जाए, तो कैसे करेंगे उसके लिए। तो सबसे पहले हमें अपने होम पेज पर जाना, उसके बाद पीडीएफ टू वर्ड, तो हमें पीडीएफ टू वर्ड सेलेक्ट करना है। बस सेलेक्ट फाइल, तो फाइल हमारी कहाँ पर है, डाउनलोड्स में, हमें पता होना चाहिए हमारी फाइल कहाँ है, ये रही फाइल नंबर टू, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से कन्वर्ट टू वर्ड करेंगे, ठीक है। अभी अपलोड हो गई, अभी कह रहा है ओसीआर, ओसीआर के बाद में मैं आपको बाद में बताऊँगा, तो कंटिन्यू विदाउट ओसीआर कर देंगे। ओके, डाउनलोड वर्ड, ये हमारी फाइल डाउनलोड हो रही है। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे, जंप करेंगे, और ये देखिए हमारी फाइल जो है वर्ड में कन्वर्ट हो चुकी है, अभी वर्ड के अंदर ही खुलेगी, ठीक है। अब ये देखिए वर्ड में आ गई फाइल हमारी, और अभी क्या है, ये जो इमेज थी, तो ये जो है ना टेक्स्ट में नहीं बनी है, इसी के लिए वो ओ सी आर कह रहा था, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा ओ सी आर के बारे में। और ये हमारी पी डी एफ वर्ड में हो चुकी है। इसी तरीके से अब मुझे अपनी पीडीएफ को लॉक करना है, मतलब पासवर्ड लगा देना है, मतलब कोई ख़ास चीज़ है, मैं नहीं चाहता किसी को पता चले या किसी को भेजना है, मैं चाहता हूँ सिर्फ उस वही खोल के देख सके जिसको पासवर्ड पता हो। तो फाइल वन पे, ये हमारी फाइल है, ठीक है, फर्स्ट पे ये माइक्रोसॉफ्ट का पेज है, इसको हमें लॉक करना है, पासवर्ड लगाना है। तो किस तरीके से करेंगे, हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर प्रोटेक्ट पीडीएफ, ठीक, सेलेक्ट करेंगे इसको, सेलेक्ट पीडीएफ फाइल, जिस भी फाइल को हमें लॉक करना उसे सेलेक्ट करेंगे। तो हमारी फाइल कहाँ पर है, फाइल नंबर वन डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे कहाँ, पीडीएफ एक्सपर्ट पे, फाइल वन ओपन करेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है टाइप योर पासवर्ड, तो मैं डाल देता हूँ एडमिन एट द रेट 123, ठीक है, ये मैं डाल देता हूँ, मतलब एक बार वो डालना है एडमिन एट द रेट 123, ठीक।
उसके बाद प्रोटेक्ट पीडीएफ, डाउनलोड प्रोटेक्ट पीडीएफ, ये डाउनलोड हो रहा। अब यहाँ से हम जाएंगे चेक करते हैं हमारी फाइल लॉक हुई है या नहीं है। तो ये आ गई हमारी फाइल, इसको खोलेंगे। तो खुलने से पहले ये पासवर्ड डालेगा, अगर हम कोई गलत पासवर्ड डाल देंगे, तो मान लीजिए भी मैं गलत पासवर्ड डाल दिया, ओपन करूँगा नहीं खुलेगी। अब सेम पासवर्ड डाल दूँगा जो मैंने वहाँ डाला था, तो ये खुल जाएगी। ठीक है गाइस, चलते हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे। मान लीजिए ये फाइल मेरी लॉक है, किसी ने आपको भेजी है, अब आप पासवर्ड तो भूल गए हैं, ठीक है ये। तो इस फाइल का नाम देता हूँ लॉक, मैं आपको खोल कर दिखाऊँ। मैं इसे खोल रहा हूँ तो ये पासवर्ड मांग रही है, मुझे पासवर्ड तो पता ही नहीं है, मैंने काफ़ी ट्राई करा लेकिन ये नहीं खुल रही है क्योंकि पासवर्ड गलत बता रहा है। तो अब मुझे इसे अनलॉक करना है, तो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, होम पेज पे जाएंगे, लास्ट में आएंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा अनलॉक पीडीएफ, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट पीडीएफ फाइल जो भी हमारी लॉक फाइल होगी, तो ये रही हमारी लॉक वाली फाइल, ओपन करेंगे अनलॉक पीडीएफ। भी अनलॉक हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सारी फाइल्स तो गाइस इसमें खुलती नहीं है, अब इस ये तो खोल नहीं रहा है, इसको खुद लॉक करके भी नहीं खोल रहा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपनी फाइल को अनलॉक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आप ट्राई करते करके देख सकते हैं। अगर आपकी फ़ाइल अनलॉक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो आप दूसरी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। अब लास्ट में जो आता है हमारा OCR, अब OCR का क्या मीनिंग था? अब देखिए, जैसे अभी मैंने एक फाइल कन्वर्ट करी थी वर्ड में, ठीक है, ये फाइल नंबर 2, इसे ओपन करता हूँ। अब ये देखिए ये फाइल है, अब क्या है, ये मैंने कन्वर्ट तो करी लेकिन ये क्या है, JPG है, मैं इसमें कुछ काट नहीं सकता, लिख नहीं सकता, तो इसको बोलते हैं हम OCR। तो अब मान लीजिए मुझे इस फाइल को, इस पेज को OCR करना है, PDF फाइल है ये, मान लीजिए कोई भी PDF फाइल है, मान लीजिए मैं OCR, ठीक है, तो मुझे इसे OCR करना है, फाइल नंबर 2 को ले लेते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ इसमें जो भी टेक्स्ट है, जहाँ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि ये, ठीक है, अभी देखिए सिलेक्ट कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर ये जो लिखा हुआ है, ये सब ये टेक्स्ट में बदल जाए ताकि मैं इसे एडिट कर सकूँ। तो किस तरीके से करेंगे, तो फाइल नंबर 2 हमारे डाउनलोड्स में, तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पर जाएंगे, OCR पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट फाइल करेंगे, फाइल का हमारी डाउनलोड्स में फाइल नंबर 2, ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अप्लाई OCR करेंगे। अब ये इसको सर्च कर रहा और उसको टेक्स्ट कन्वर्ट कर रहा। अगर हम वहाँ पर भी जहाँ पर हमने वर्ड में कन्वर्ट करी थी, अगर उसे अप्लाई OCR कर देते तो तब भी वो वर्ड में OCR होके सेव होती, तो ये फाइल हमारी डाउनलोड होने लगी है।
डन हो गई है। अब हम इसे ओपन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये गाइस सिलेक्ट हो रही है, ठीक है, इसका मतलब ये टेक्स्ट में हो चुकी है। ये देखिए हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों फाइलें साथ खोल के दिखा देता हूँ। तो फाइल नंबर टू ये रही, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट फाइल है जो जेपीजी में, देखिए मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, नहीं हो रही है, लेकिन ये सिलेक्ट हो रहा है टेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी फाइल को OCR भी कर सकते हैं, मतलब अगर कोई टेक्स्ट हमारी इमेज पे है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अब ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ठीक है, और हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं कहीं भी। जैसे मान लीजिए मैं वर्ड में एक्सेल में ही पेस्ट करके देखता हूँ इसे, तो ये टेक्स्ट हो जाएगा और इसमें हम कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप किसी आगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि लोगों की हेल्प हो सके, जिनको भी इसके बारे में नहीं पता वो जान सके। धन्यवाद।